नमस्कार सर, यह पुराना स्प्लाइस जिग जो अभी तक यूज किया जा रहा था कॉन्टेक्ट वायर स्प्लाइस हेतु, ये नया कॉन्टेक्ट वायर स्प्लाइस जिग जो रायपुर डिवीजन द्वारा डेवलप किया गया, फैब्रिकेट किया गया, ये 3 नट बोल्ट्स लेवल एडजस्टमेंट के लिए कॉन्टेक्ट वायर के दोनों सिरों को रखकर उसके ग्रुप को एक सीधी रेखा में लाया जा सके, उस हेतु यह पुराना स्प्लाइस जिग यूज करके कॉन्टेक्ट स्प्लाइस करने का प्रयास किया जा रहा है। 16-20 आवर्स में यह कार्य प्रारंभ हुआ है। लोड लेकर रख लिया गया था, उसके पश्चात का ये वीडियो। ग्रुप मिलान का प्रयास करते हुए लोकल तरीके से स्क्रूड्राइवर की मदद से लगातार प्रयास जारी ग्रुप मिलान के लिए। ऊपर से दबाव दिया जा रहा है स्प्लाइस पे और यही सबसे बड़ी समस्या कार्य के विलंब होने में। बार बार ट्रायल एंड एरर मेथड से लगाने का प्रयास, अभी भी ठीक तरह से ग्रुप मिला नहीं। ग्रुप मिल जाने के पश्चात अब स्प्लाइस के नट बोल्ट्स टाइट करते हुए आवर्स में ये स्प्लाइस कंप्लीट हुआ। फिर से अब नए स्प्लाइस से उसी कॉन्टेक्ट वायर को स्प्लाइस किया जा रहा है। अभी 16:52 में इस नए स्प्लाइस से कार्य प्रारंभ हुआ। कॉन्टेक्ट वायर को यू बोल्ट के अंदर ले जाकर स्प्लाइस जिग में फिट करते हुए कॉन्टेक्ट वायर ट्विस्टर से वायर को सीधा करके यू बोल्ट के माध्यम से उसे लॉक किया जा रहा है। दूसरा सिरा उसी तरीके से यू बोल्ट से इसे भी लॉक किया जा रहा है। ये अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और यही मुख्य कारण जिसकी वजह से स्प्लाइस फिटिंग में दिक्कत होती है। अलग अलग डायमीटर के कॉन्टेक्ट वायर पूरी तरह से वायर को लॉक करते हुए घूमने या स्लिप होने की कोई लॉक होने के पश्चात
लेवल मिलान करते हुए बोल्ट की मदद से, नट बोल्ट की मदद से, और ये लोहा पूरी तरह से एक सीधी रेखा में बिना किसी परेशानी के, और यही इस जिग की विशेषता, स्प्लाइस आसानी से सभी ओर से देखकर ग्रुप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ स्प्लाइस के बोल्ट्स टाइट करते हुए गलती की कोई गुंजाइश नहीं, स्प्लाइस के सभी टूथ ग्रुप में इस वक्त लगाए जा चुके हैं। और इसे फाइनल टाइट किया जा रहा है बोल्ट स्प्लाइस के बिना किसी परेशानी के। यह SCC रेलवे द्वारा रायपुर डिवीजन के स्टाफ द्वारा बनाया गया टूल, जिसमें प्रिंसिपल CEE सर, DRM सर रायपुर की ये इच्छा रही कि इस समय को कम किया जाए, उसी के परिणाम स्वरूप ये स्प्लाइसिंग CEE TRD रायपुर के निर्देशानुसार उनकी गाइडेंस में रायपुर TRD के सुपरवाइजर्स द्वारा इसे बनाया गया। आसान सा स्प्लाइस जिग, और ये जिग को निकालते हुए बहुत ही आसानी से ये कार्य संपन्न। एक बार फिर से बोल्ट्स की फाइनल टाइटनेस चेक करते हुए 16:58 इस वक्त कार्य संपन्न हुआ। कुल 6 मिनट लगे इस नए जिग से स्प्लाइस करने में। GM SCCR द्वारा प्रशंसा किए जाने के पश्चात इसे गुड वर्क पोर्टल में अपलोड किया गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।